नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भिवाड़ी राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत का प्रमुख औद्योगिक इलाका है। भिवाड़ी और हरियाणा के बीच केवल एक सड़क का फासला है। भिवाड़ी में सुई से लेकर अंतरिक्ष यान तक के कलपुर्जे बनाने वाले उद्योग हैं। बात 14 अगस्त की है। एसपी साहब जब अपने ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की ओर से किए जाने वाले इंतजामों की फाइल देख रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर यूआईटी फेस थर्ड थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार का फोन आया। थाना प्रभारी ने कहा, सर खिदरपुर गांव के सरकारी स्कूल के पास सड़क किनारे एक महिला के शव के अलग अलग टुकड़े मिले हैं। महिला के शव के टुकड़े मिलने की बात सुनकर एसपी साहब चौंके। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने थाना प्रभारी को कुछ जरूरी निर्देश देकर कहा, आप शव के बाकी टुकड़े तलाश कराओ, मैं मौके पर आता हूँ। एसपी साहब ने अपने पीए को एडिशनल एसपी अरुण माचा से बात कराने और तुरंत गाड़ी लगवाने को कहा। पीए ने फोन पर लाइन दी तो एसपी साहब ने एडिशनल एसपी को महिला के शव के टुकड़े मिलने की बात बताकर तुरंत मौके पर चलने को कहा और खुद ऑफिस के बाहर खड़ी गाड़ी में सवार होकर खिदरपुर स्कूल की ओर चल दिए। कुछ ही देर में वह खिदरपुर गांव पहुंच गए। स्कूल के पास तमाशबीन खड़े थे, वहां सड़क किनारे झाड़ियां उगी हुई थीं। थाना प्रभारी और कई पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद थे। एसपी जोशी के पहुंचने के 2 से 4 मिनट बाद ही एडिशनल एसपी अरुण माचा भी पहुंच गए। पुलिस के आला अधिकारियों को देखकर लोगों की भीड़ एक तरफ हट गई। थाना प्रभारी ने आगे आकर एसपी और एडिशनल एसपी को सैल्यूट किया, फिर बताया कि सबसे पहले कमर से नीचे और जांघों से ऊपर का हिस्सा मिला। इसके बाद आसपास तलाश कराई गई तो कुछ दूर झाड़ियों में अलग अलग जगह पर दोनों हाथ मिले। एक जगह पर बालों में उलझा इंसानी मांस का टुकड़ा मिला। शव के ये अलग अलग टुकड़े महिला के थे जो करीब 200 मीटर के दायरे में मिले थे। एसपी राम मूर्ति जोशी ने शव के टुकड़ों का निरीक्षण किया, वे 4 से 5 दिन पुराने लग रहे थे। जांघ और कमर से नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा नहीं था। शव के टुकड़े आवारा जानवरों के नोचने और फूल जाने के कारण उम्र का अंदाज भी नहीं लग सका। जहाँ जहाँ शव के टुकड़े मिले वहाँ तेज बदबू आ रही थी। मौका मुआयना कर जोशी समझ गए कि महिला की बेरहमी से हत्या कर उसके शव को टुकड़ों में काटकर अलग अलग जगह फेंका गया है। यह भी आशंका थी कि महिला के साथ दुष्कर्म किया गया हो। चिंता की बात यह थी कि सिर सहित शव के अन्य टुकड़े नहीं मिले थे। जोशी जी ने थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी को आसपास के इलाकों में शव के बाकी हिस्से तलाशने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होंने अलवर से विधि विज्ञान विशेषज्ञों और डॉग स्क्वायर्ड को भी बुलवा लिया। डॉट अलवर से एफएसएल के विशेषज्ञ और डॉग स्क्वायर्ड मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने खोजी कुत्ते को शव के टुकड़े सुंघाकर बाकी टुकड़ों की तलाश कराई, लेकिन पुलिस को शव का कोई अन्य हिस्सा नहीं मिला। इसका कारण यह था कि 2 से 3 दिन से हो रही बारिश ने सुराग मिटा दिए थे। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए, लेकिन 8 से 10 घंटे की खोजबीन के बाद भी पुलिस को न तो महिला के बारे में कोई सुराग मिला और न ही कातिलों के बारे में कोई जानकारी। पुलिस ने जगह जगह से एकत्र किए शव के टुकड़े सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिए। भिवाड़ी के यूआईटी फेस थर्ड पुलिस थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जयपुर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर के निर्देश पर एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी के निर्देशन में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। इस टीम को एडिशनल एसपी अरुण माचा के नेतृत्व में काम करना था। टीम में डीएसपी भिवाड़ी हरिराम कुमावत और यूआईटी फेज थर्ड थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सहित कई अफसरों और जवानों को शामिल किया गया। पुलिस ने तेजी से जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन कहीं कोई और छोर नहीं मिल पा रहा था। इसका कारण यह था कि औद्योगिक इलाका होने के कारण भिवाड़ी में रोजाना राजस्थान के ही नहीं बल्कि हरियाणा के गुड़गांव, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, बावल, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली तक के रोजाना हजारों लोग नौकरी और कामकाज के सिलसिले में भिवाड़ी आते जाते हैं। यह भी आशंका थी कि हरियाणा में हत्या करने के बाद शव के टुकड़े राजस्थान के भिवाड़ी में फेंके गए हों।
हत्या के ऐसे एक दो मामले पहले भी सामने आए थे। दूसरी बड़ी समस्या यह थी, भिवाड़ी में देश के विभिन्न राज्यों के लाखों श्रमिक काम करते हैं। इन श्रमिकों की भिवाड़ी सहित आसपास के गांवों में बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, साथ ही भिवाड़ी में भी सैकड़ों बहुमंजिला सोसाइटियां हैं। इन सभी इलाकों में एक महिला के बारे में खोजबीन करना चुनौती भरा काम था। एसपी राममूर्ति जोशी पहले भी अलवर में विभिन्न पदों पर रह चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर भिवाड़ी और आसपास के इलाकों से पिछले दिनों लापता हुई महिलाओं का रिकॉर्ड मंगवाया। इन महिलाओं की गुमशुदगी के बारे में जांच पड़ताल की गई, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पुलिस को शव के टुकड़ों की शिनाख्त में मदद मिलती। इलाके की सोसाइटियों में पिछले दिनों मकान खाली कर जाने वाले किराएदारों का भी पता लगाया गया। इसके अलावा घटनास्थल के निकटवर्ती सांथल का गांव में पिछले दिनों मकान खाली करने वाले किराएदारों और कंपनियों से अचानक नौकरी छोड़ने वाले महिला पुरुषों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डोर टू डोर सर्वे किया गया। यह काम भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। पचासों पुलिस वाले इस काम में सुबह से शाम तक जुटे रहते। एसपी साहब इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वह हर संभव प्रयास से मृतका की शिनाख्त और कातिलों तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए रोजाना शाम को एडिशनल एसपी और डीएसपी से रिपोर्ट लेते और उन्हें जरूरी निर्देश देते। दो सप्ताह से भी ज्यादा समय तक चली इस भागदौड़ में पुलिस को पता चला कि गांव सांथलका की विनोद कॉलोनी में रहने वाले अमित गुप्ता और उसकी पत्नी कोमल पिछले कुछ दिनों से बिना किसी को बताए अचानक कमरा खाली कर चले गए। पुलिस ने कॉलोनी के दूसरे लोगों से पूछताछ की तो जानकारी मिली कि अमित और कोमल में आपस में झगड़ा होता रहता था। दोनों अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते थे। पुलिस को अमित का पता तो नहीं मिला, अलबत्ता यह जरूर पता लगा कि वह भरतपुर का रहने वाला है। यह सुराग मिलने पर पुलिस को उम्मीद की कुछ किरण नजर आई। अब पुलिस अमित और कोमल को तलाशने में जुट गई। इसी दौरान 3 सितंबर को यूआईटी फेज 3 पुलिस थाने पर डाक से एक पत्र आया। पत्र में अमित गुप्ता ने अपनी पत्नी कोमल के गाय होने की बात लिखी थी। पत्र में अमित का मोबाइल नंबर और कोमल का कानपुर का पता लिखा था। पुलिस ने मामले की पड़ताल करने के लिए अमित के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन वह स्विच्ड ऑफ मिला। चूंकि अमित और उसकी पत्नी अचानक मकान खाली करके गए थे और अब अमित ने खुद थाने आने के बजाय पत्र लिखकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की बात कही थी, इससे पुलिस को संदेह हुआ। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने एसपी राममूर्ति जोशी को पूरी बात बताई। जोशी को भी मामले में संदेह नजर आया। उन्होंने भी अमित के मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल की, लेकिन उसका फोन हर बार स्विच्ड ऑफ मिला। डॉट मोबाइल स्विच्ड ऑफ होने से उसकी लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। सच्चाई का पता लगाने के लिए एसपी ने थाना प्रभारी को पत्र में लिखे कोमल के कानपुर के पते पर पुलिस टीम भेजने के निर्देश दिए। भिवाड़ी से पुलिस टीम कानपुर में मीरपुर कैंट स्थित कोमल के घर पहुंची। वहां पूछताछ में पता चला कि कोमल की अपने परिजनों से 11 अगस्त के बाद से कोई बात नहीं हुई थी। उन्हें न तो कोमल का कुछ पता था और न ही अमित का। कोमल के परिजनों ने पुलिस को बताया कि दोनों मियां बीवी में आए दिन झगड़ा होता था। यह भी बताया कि अमित ने कोमल से धोखे से शादी की थी। उनसे यह जानकारी भी मिली कि अमित ने अपनी किसी महिला दोस्त की हत्या भी की थी। उन्हें शंका थी वह कोमल की भी हत्या कर सकता है। कानपुर में कोमल के घर वालों से मिली जानकारी के बाद अमित पर पुलिस का शक पक्का हो गया। साथ ही यह अनुमान भी लग गया कि 14 अगस्त को खिदरपुर स्कूल के पास मिले शव के टुकड़े कोमल के ही हो सकते हैं। अब अमित को तलाशना जरूरी था क्योंकि उसी से सारी सच्चाई का पता लग सकता था। एसपी राममूर्ति जोशी ने भिवाड़ी पुलिस की साइबर सेल को अमित गुप्ता के मोबाइल नंबर का तकनीकी अनुसंधान करने का निर्देश दिया। साइबर सेल के हेड कांस्टेबल मोहन लाल, कांस्टेबल संदीप और नीरज ने अमित का मोबाइल लगातार स्विच्ड ऑफ मिलने पर उसकी पुरानी कॉल डिटेल्स निकलवाकर उनका विश्लेषण किया। पुलिस ने इन कॉल डिटेल्स के आधार पर पहले से अमित के संपर्क में रहे लोगों से उसकी पूरी जन्म कुंडली हासिल की। तमाम प्रयासों के बाद पुलिस ने 7 सितंबर को अमित गुप्ता को भिवाड़ी के ही सांथलका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। उसे पुलिस थाने लाकर पूछताछ की गई। पहले तो वह पुलिस को यह कहकर गुमराह करता रहा कि कोमल लापता है, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कड़ाई से पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।
पुलिस पूछताछ में कोमल की हत्या की जो कहानी उभर कर सामने आई वह इस प्रकार है। अमित गुप्ता राजस्थान के भरतपुर शहर का रहने वाला था। उसकी शादी 13 दिसंबर 2019 को कानपुर निवासी हरिप्रसाद गुप्ता की बड़ी बेटी कोमल से भरतपुर में हुई थी। कोमल की यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी 2004 में कानपुर के संजय से हुई थी, लेकिन टीबी की बीमारी के कारण उसके पति संजय की 4 साल बाद 2008 में मौत हो गई थी। अमित भरतपुर में ही मित्र की दुकान करता था। अमित और कोमल भरतपुर में कुम्हेर गेट पर रहते थे। कोमल अपने पहले पति संजय के भांजे लाली गुप्ता से फोन पर बात करती थी। इस पर अमित को एतराज था। इसी बात पर दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। डॉट कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से अमित का ही मित्र का कामकाज ठप हो गया। वह बेरोजगार हुआ तो रोजी रोटी की तलाश में भरतपुर से भिवाड़ी आ गया। अमित और कोमल भिवाड़ी में सांथल का गांव की विनोद कॉलोनी में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। अमित सेंट गोबेन कंपनी में नौकरी करने लगा। केवल अमित की नौकरी से घर का खर्च नहीं चल पाता था, इसलिए उसने कोमल को भी नौकरी करने को कहा। कोमल ने प्रयास किया तो उसे भिवाड़ी के पास चौपार नकी में क्लच वायर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल गई। भले ही पति पत्नी दोनों नौकरी करने लगे थे, लेकिन उनके बीच झगड़े खत्म नहीं हुए। परेशान होकर कोमल ने 11 अगस्त को अमित को कमरे से निकाल दिया। अमित कमरे से चला गया। उसके कुछ देर बाद कोमल अपनी नौकरी पर चली गई। पत्नी से झगड़े के बाद अमित ने एक बार तो अपने घर भरतपुर जाने का विचार बनाया। फिर उसने रोज रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए कोमल का ही खेल खत्म करने की योजना बना डाली। उसने बाजार से एक लुहार से तेज धारदार वाला बड़ा चाकू खरीदा और वापस कमरे पर आ गया। कमरे की एक चाबी अमित के पास पहले से ही रहती थी, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं हुई। शाम को कोमल अपनी नौकरी से वापस कमरे पर लौटी तो अमित ने कमरे का गेट बंद कर उसे तरंग नामक भांग की गोलियां खिला दी। भांग के नशे में कोमल को कुछ होश नहीं रहा। अमित ने उसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने तेज धार वाले लंबे चाकू से उसके शरीर के अलग अलग टुकड़े किए। टुकड़े करने के दौरान कमरे के फर्श पर बिछी दरी पर खून फैल गया। इस पर उसने दरी को एक तरफ रखकर बाकी खून के निशान पानी से धो दिए। इस काम में उसे करीब 3 घंटे लगे। कोमल के शव के टुकड़ों को प्लास्टिक के 3 अलग अलग बोरों में भरकर वह रात को कमरे पर ही सो गया। दूसरे दिन सुबह जब कॉलोनी के लोग अपने अपने कामों पर चले गए, तब वह कमरे से एक एक बोरा निकाल कर ले गया और कच्चे रास्ते से होकर खिदरपुर स्कूल के पास अलग अलग जगहों पर फेंक दिए। उसने खून से लथपथ वह दरी भी फेंक दी। दूसरे दिन वह अपना थोड़ा बहुत घरेलू सामान लेकर बिना किसी को कुछ बताए किराए का कमरा खाली कर फरार हो गया। बाद में 7 सितंबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। फरारी के दौरान वह भिवाड़ी के अलावा पलवल, भरतपुर और जयपुर में रहा। अमित की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 7 सितंबर को ही कोमल के सीने से ऊपर का हिस्सा बरामद कर लिया। इसके अगले दिन 8 सितंबर को पुलिस ने खिदरपुर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों से वह दरी भी बरामद कर ली जिस पर कोमल की हत्या की गई थी। दरी पर खून के निशान सूख चुके थे। 9 सितंबर को पुलिस ने अमित की निशानदेही पर सिर का हिस्सा भी बरामद कर लिया। पुलिस की सूचना पर कोमल के घर वाले 8 सितंबर को कानपुर से भिवाड़ी पहुंचे। पुलिस ने कोमल के भाई और बहन के डीएनए के सैंपल लिए ताकि कोमल के शव की अधिकृत पुष्टि की जा सके। पूछताछ में यह भी पता चला कि अमित ने सन 2013 में भरतपुर में दुष्कर्म करने के बाद एक महिला होमगार्ड की हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। करीब 1.5 साल तक वह भरतपुर जिले की सेवर जेल में बंद रहा। इस मामले में अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा दी थी। सन 2014 में हाई कोर्ट से उसकी जमानत हो गई थी। अमित ने जो अपराध किया उसकी सजा उसे कानून देगा, लेकिन कोमल की मौत से उसके पिता हरिप्रसाद टूट गए हैं। कानपुर में चाय की थड़ी लगाने वाले हरिप्रसाद की 3 बेटियों में कोमल सबसे बड़ी थी। पहले पति की मौत के बाद से कोमल कानपुर में अपने पिता के पास रहकर जॉब करती थी। हरिप्रसाद का कहना है कि इस दौरान कोमल के संपर्क में सुमन नाम की महिला आई। सुमन धीरे धीरे उनके घर भी आने लगी।
फिर वह कोमल का रिश्ता भरतपुर के अच्छे परिवार में कराने की बात कहने लगी। भरतपुर ज्यादा दूर होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। फिर भी सुमन ने पता नहीं कब कोमल का भरतपुर के अमित से संपर्क करा दिया। जल्दी ही अमित ने कोमल को पूरी तरह अपने झांसे में ले लिया, इसका उन्हें पता भी नहीं चला। बाद में सुमन ने कहा कि एक बार भरतपुर जाकर लड़का देखाओ, पसंद आए तभी रिश्ता करना। बेटी की खुशी के लिए हरि प्रसाद भरतपुर गए। वहां देखा तो पहले से ही शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अनजान शहर में वे अकेले पड़ गए। बेटी की सहमति से उन्होंने अगले ही दिन 13 दिसंबर 2019 को भरतपुर में कोमल की शादी अमित से कर दी। बाद में उन्हें पता चला कि यह शादी कराने के एवज में सुमन ने अमित से 1,00,000 रुपए लिए थे। कोमल शादी के बाद केवल एक बार होली पर अपने घर कानपुर गई थी। कोमल अपनी छोटी बहन काजल को फोन पर बताती थी कि अमित का चाल चलन ठीक नहीं है, वह उस पर शक करता है और आए दिन झगड़ता है। कोमल की छोटी बहन काजल की 10 अगस्त को अमित से फोन पर बात हुई थी। तब अमित ने कहा था कि आज के बाद तुमसे हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा और न ही तुम कोमल से बात कर सकोगी। इसके बाद से लगातार संपर्क करने के बाद भी जब परिजनों की कोमल से बात नहीं हुई तो हरि प्रसाद ने अमित के पिता को फोन किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटे और बहू से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में वे अखबार में विज्ञापन भी छपवा चुके हैं। हरि प्रसाद का कहना है कि बेटी तो चली गई, लेकिन अमित जैसे जल्लाद से कोमल का रिश्ता कराने वाली सुमन के खिलाफ भी कार्रवाई हो, जो पैसे कमाने के लिए जरूरतमंद युवतियों को झांसे में लेकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।